देख सकते हो ये एरिया कैसा लग रहा है कि बहुत अच्छा एरिया है रामबाग, क्योंकि मैं बहुत दिन से आने वाला था यहाँ पर फाइनली आज आया हूँ। आप देख सकते हो पूरी हरियाली हरियाली है पूरा, जैसे कि हमेशा वीडियो में बोलता हूँ हरियाली हरियाली, तो आप देख सकते हो। आप विज़िट करो, बहुत अच्छी जगह है गाइस। तो मैं बहुत दिन से ही सोच रहा था आने के लिए, पर आज फाइनली आ गया हूँ। आप देख सकते हो ना, अच्छा लग रहा है ये जगह, कि सोचा था कि आऊँगा यहाँ पर और फाइनली आ गया हूँ। देख सकते हो फुल मज़ा आ रहा है गाइस, देखो कितना अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा बनाया है। देख सकते हो आप, चार तक देखो, दूर दूर देखो, कितना अच्छा बनाया है। और बच्चे लोग के लिए तो बहुत अच्छी जगह बनाया है खेलने कूदने के लिए, और ऐसा काम किया है ना, पूरे नवी मुंबई में ऐसा गार्डन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से है ना, मैंने पहली गार्डन ऐसा देखा है जो इतना सुंदर बनाया है। देख सकते हो कितना अच्छा बनाया है गार्डन, देख सकते हो एकदम पूरा, देखो पूरा यहाँ से वहाँ तक देखो, पूरा अच्छा बना है गार्डन, देख सकते हो आप। खेलने वाला ये पूरा, खेलने वाला ये है पूरा, इधर का खेलने वाला है पूरा गार्डन, देख सकते हो गाइस, बहुत बड़ा गार्डन है गाइस, बहुत बड़ा गार्डन। और ये झरना बना है फिलहाल के लिए, ये बंद है, मैं तो इसका वीडियो लेता अगर ये चालू होता तो। देखो पूरा अच्छा ही बना है, जो भी बना है बहुत अच्छे बना है, देख सकते हो आप। पूरा एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं आपको, आप आ जाना यहाँ पे अगर आपको टाइम मिले तो। बहुत अच्छी जगह बना है, बहुत कुदरती वाला जगह बना है, आप जैसे कि देख सकते हो, बहुत मस्त जगह है, बहुत सुंदर है। कि आगे वीडियो में बने रहना, और भी चीज़ एक्सप्लोर करने वाला, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो ये कपल पॉइंट है, और देखो गाइस कितना बेहतरीन गार्डन है। यहाँ से फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा पॉज हो गया था वीडियो। और ये देखो पूरा काम चालू है अभी फिलहाल के लिए, लेकिन बहुत अच्छी जगह बनाई है भाई, देख सकते हो बहुत अच्छी जगह बनाई है, बहुत बड़ा गार्डन है यार, बहुत बड़ा गार्डन है। आप एक बार विजिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, बहुत ही बड़ा गार्डन है, देखो बहुत बड़ा गार्डन है। आ जाना गाइस, और वहाँ पे सामने मंदिर है गाइस, वो देखो सामने मंदिर है, रामबाग का मंदिर है, और वाह बहुत अच्छा जगह है, देख लेना। आप एक बार आके यहाँ पे विजिट करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कितनी अच्छी चीज़ बनाई है। और सामने मैंने देखा नहीं था, वहाँ पे सामने झरना है, आप देख सकते हैं सामने झरना है, क्योंकि मैंने ये देखा नहीं था, तो अभी मैंने देखा कि यहाँ पे सामने झरना है। और यहाँ पे भी सुविधा बनाया गया है, घूम सकते चलने फिरने के लिए, बहुत मस्त जगह है वॉकिंग और जॉगिंग के लिए। ये देखो एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोग को, इसी को तो मैं ढूंढ रहा था, ये देखो क्या बनाया है गाइस, देखो इसके अंदर से जाता हूँ, क्या बनाया है, मस्त बनाया है। आप आगे विजिट करो गाइस, कसम से बहुत मस्त चीज़ बनाया है, एकदम पॉट के टाइप में, एकदम पॉटिश के इसमें ऐसा बनाया है, पॉट और इसके टाइप से बनाया है, एकदम मस्त चीज़ बनाया है। और यार फोटो सेक्शन भी कर सकते हो, फोटो शूट के लिए भी आ सकते हो आप लोग, फोटो शूट के लिए बहुत अच्छी जगह है, देख सकते हो आप, फोटो शूट के लिए अच्छी जगह है। देखो सामने फोटो शूट हो रहा है, वहाँ पे फोटो शूट करते हो, और ये देखो कितनी अच्छी जगह है, देख सकते हो गाइस पूरी जगह देख लो, कितनी मस्त जगह है। आप एक बार आके विजिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और थोड़ा काम बाकी है वहाँ पे, वो साइड में थोड़ा काम बाकी है, थोड़ा काम चल रहा है, पूरा होने के बाद तो क्या लगेगा। अब नाइट में तो उसका नज़ारा कुछ और है, नाइट में एक बार आऊँगा तो आप देख लेना कैसा जाएगा ये, कि नाइट बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने एक जन के वीडियो में देखा था नाइट में बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये फ़ोटो शूट के लिए अच्छी जगह है, मैं बोलता हूँ कि आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप आ जाना यहाँ पे, देख सकते हो कैसी जगह है ये, गार्डन मस्त है, और इतने डिटेल में बनाया हुआ है ना इसे,
देखो फूल्स वगैरह लगा हुआ एकदम डिटेल में देख सकते हो। मैं तो बोलने जाऊंगा ना कि फोटोशूट के लिए ना सबसे बेस्ट है फोटोशूट, और या तो ऐसा घूमने फैमिली के साथ में आ सकते हो आप घूमने के लिए, सब मस्त जगह है। तो आप आगे पूरे वीडियो में देखो कितनी मस्त जगह है, आप आके देख लेना। और ये साइड में ना बच्चे लोग के लिए गार्डन्स बनाया है, तो आप देखो वीडियो में ये देखो ये बच्चे लोग के लिए अलग से गार्डन बनाया हुआ है, तो आप कभी बच्चे को लेके आके ये गार्डन में खिला सकते हो अपने बच्चे लोग को। और सामने मंदिर है ठीक है, यहाँ के जस्ट सामने मंदिर है और ये बैठने वाली जगह है ठीक है, आप पूरी देख सकते हो कितनी मस्त जगह बनाई है। और आगे देखता हूँ एक्सप्लोर कर रहा हूँ आगे, आप देख लेना। और सामने फोटोशूट हो रहा है ठीक है, तो वीडियो में बने रहो गाइस, आगे मैं दिखाते रहूँगा आपको क्या क्या चीज़ है यहाँ पे और क्या क्या चीज़ नहीं है ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि मुझे ये जगह बहुत पसंद आई, क्योंकि मुझे जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि ये है नावा में, और इसका एड्रेस मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा गाइस, और आप पूरी वीडियो देख लेना। देखो ये जगह बहुत मस्त है, आप कभी आ रहे हैं जगह पे तो आप इस जगह पे आओगे तो आप इस जगह की तारीफ बिना किए जाओगे ठीक है। तो ये मैं एड्रेस दे दूंगा, ये नावा में लगता है ठीक है, नावा खाड़ी। तो वीडियो में बने रहना और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये सामने का मंदिर देख सकते, ये राम भक्त मंदिर है, और ये पूरा देखो मंदिर कैसा दिख रहा है एकदम, ये पूरा यहाँ पे मंदिर और गार्डन है, बहुत मस्त चीज़ बना है। फोटोशूट हो रहा है यहाँ पे, फोटोशूट के लिए जगह बहुत मस्त है, ये आप आके देख सकते हो गाइस, बहुत ही सुंदर जगह है, मैं बोल रहा हूँ ना ये बहुत ही सुंदर जगह है, आप आके देख सकते हो ठीक है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहो, आगे मैं पूरी वीडियो शेयर करूँगा आपको, और इसकी शॉर्ट भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप देखो ऐसी जगह है एकदम मस्त जगह है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम चालू है और इसका रिनोवेशन भी चालू है, तो वो साइड में थोड़ा काम बचा हुआ है, और सामने मैदान है तो नावा गांव की तरफ ये लगता है एरिया, और ठीक है चलो आगे वीडियो में मिलते हैं गाइस। ये भी सामने छोटा सा एक गार्डन है जहाँ पे सब झूला खेलते हैं, और इसके बाजू में छोटा सा तालाब जैसा है, और ये देखो पूरा फूल वगैरह पूरा 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 यहाँ से वहाँ तक पूरा फूल लगे हुए, तो आप इसके देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा बहुत काम भी चालू है और शूट भी करने, शूट के लिए अच्छी प्लेस है, तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे विजिट कर लेना, और ज़्यादा बोलूँगा नहीं। और फिर यहाँ पे शायद यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता है या नहीं है वो मुझे भी नहीं मालूम, तो आप जैसे देख सकते हो पूरी हरियाली है, पूरे पेड़ है और पौधे हैं, पूरे जगह लगे हुए, हर एक जगह अलग अलग पेड़ है इसके के फूल लगे हुए, तो आप यहाँ पे आके यहाँ का आनंद ले सकते हो गाइस। तो वीडियो में बने रहो और देखो बहुत सारे फूल लगे हुए गाइस, बहुत सारे फूल लगे हुए, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतने सारे फूल लगे हुए हैं यहाँ पे ठीक है, मतलब फूल के तो पूरे यहाँ पे बागीचा ही है, देख सकते हो पूरे फूल के बागीचा ही है, मस्त मस्त यहाँ पे गार्डन है छोटा सा, और पूरा ये व्यूज आप ले सकते हो, और ये पूरा देख सकते हो, और दिखाने के लिए बहुत कुछ है पर बैटरी थोड़ा लो है फ़ोन की, मैं तो भी कवर कर रहा हूँ, तो आप भी आके विज़िट कर लो गाइस, इसका एड्रेस मैं दे दूँगा, और बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे मज़ा आ जाएगा, एक बार आओ कभी बहुत मज़ा आएगा। और सिर्फ ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, आप देखो खाली कितना अच्छा एरिया है, तो आप देख लेना ठीक है। तो मिलता हो या आउटसाइड का लेने, और अच्छा लग रहा है मंदिर, लेकिन अंदर जाएंगे हम मंदिर में, मंदिर को भी देखेंगे।
मंदिर को अंदर जाके देखेंगे कि कौन से भगवान हमारे हैं यहाँ पे। देख लेना, देखो जैसे भी अंदर जाएंगे मंदिर में और देखेंगे। मंदिर में देख सकते हैं हनुमान जी है। देवी माँ की मंदिर है जैसे कि देख सकते हो। एक्सप्लोर कर लो, देख लो कैसे मंदिर है गार्डन के सामने। ठीक है, माता की मंदिर है। ठीक है, फुर्सत से जगह बनाई ये वाली, देख सकते हो आप। ये कौन सा फूल है गाइस बताना कमेंट करके, फूल कौन सा है। ठीक है, तो अच्छा तो लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है बहुत। तो यहाँ से बाहर जाके देखते हैं गाइस, यहाँ से बाहर जाएंगे और देखेंगे कि क्या है बाहर। ठीक है, तो देखो मज़ा आ रहा है बहुत, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जाओ नहीं, क्योंकि यहाँ पे नाइट में आना चाहिए था, क्योंकि इसका नाइट में नज़ारा कुछ और ही होता। देखो नाइट में बहुत अच्छा नज़ारा है इसका, पर नाइट में आ नहीं पाया इसलिए। पूरा देखो गाइस, पूरा 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 देखो। नाइट में आने का है, एक बार नाइट में आएंगे, ज़रूर आएंगे नाइट में। नाइट में आके फिर इसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, चलो। Are you ready?